अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम सर मोहम्मद अदील जावेद। आई एम अ साइंस टीचर ऑफ शाह ग्रामर हाई स्कूल एंड इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द टॉपिक सेल एंड टाइप्स ऑफ सेल। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं सेल के बने होते हैं, तभी सेल को लाइफ का यूनिट कहा जाता है। ज़िंदगी जो होती है उसकी जो इब्तिदा जो होती है वो सेल से होती है। सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी जो है उसको बनाते हैं। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर जो होता है, हमारी साख्त होती है, बनावट जो होती है, वो तमाम जो है बॉडी का स्ट्रक्चर सेल से मिलके बना होता है। और सेल जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की जो बॉडी होती है उसमें जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं उन तमाम फंक्शंस को सेल जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं, सेल परफॉर्म कर रहे होते हैं। वी कैन डिवाइड द सेल इनटू 3 पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। एंड सेल आल्सो हैज़ द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। सेल के अंदर ये भी सलाहियत होती है कि सेल जो है सेल डिवीजन के प्रोसेस के ज़रिए न्यू डॉटर सेल या अपने जैसे ही न्यू बॉर्न सेल क्रिएट कर सकते हैं। एंड सेल्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफ़र द हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। सेल जो होते हैं विरासती जो खसूसियात होती हैं वो जो है पेरेंट्स से औलादों में मुंतकिल करने का भी सबब होते हैं। We can divide the cell into prokaryotic cell and eukaryotic cell on the basis of presence of complete and incomplete nucleus. हम सेल को prokaryotic cell में और eukaryotic cell में divide कर सकते हैं nucleus की वजह से। अगर cell के अंदर incomplete nucleus मौजूद है, यानी सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स वगैरह जो होते हैं या डीएनए वगैरह जो होते हैं, अगर वो जो है साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसी आज़ाद हालत के अंदर हैं यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, तो ऐसा सेल जो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है, यानी इसमें कंप्लीट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इनकी एग्जांपल्स होते हैं। ये जो आपको डायग्राम जो शो हो रही है ये एक बैक्टीरियल सेल जो है आपको शो किया जा रहा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको एक कंप्लीट न्यूक्लियस जो राउंड शेप का जो होता है वो इसके अंदर आपको विजिबल नज़र नहीं आ रहा होगा, यानी इसका न्यूक्लियस जो है आप देख रहे हैं इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो है आपको दिखाई दे रहा है। इसी वजह से बैक्टीरियल सेल जो होता है ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है। If the complete nuclear membrane bounded nucleus is present inside the cell is called the eukaryotic cell. अगर सेल के अंदर एक complete nucleus मौजूद है जो कि nuclear membrane से घिरा हुआ होता है, round shape का होता है, तो ऐसा cell आपका eukaryotic cell होता है। Examples of eukaryotic cells are plants and animal cells. प्लांट और एनिमल सेल्स जो होते हैं ये आपके यूकैरियोटिक सेल होते हैं बिकॉज कंप्लीट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक सेल एंड टाइप्स ऑफ सेल। डियर स्टूडेंट, आई हैव एक्सप्लेन यू द टॉपिक सेल एंड टाइप्स ऑफ सेल। And now I am going to give you an exercise which is related to the topic cell and types of cell. And the exercise is questions answers. Question number 1, what is cell? Cell kya hai? Answer is, cell is the basic structural and functional unit of living organisms. Cell जो है living organism का बुनियादी जो है साख बनाने वाला
और बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस जो होते हैं वो तमाम फंक्शन जो हैं सेल जो है परफॉर्म कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल आर देयर, सेल की कितनी इकसाम होती हैं। आंसर इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।